दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील विश्वकर्मा आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सुनील भाई ब्लॉग पे स्वागत करता हूँ। सो गाइज, मैं आज बताने वाला हूँ, 1000 वाट एम्पलीफायर है मेरे, जो आहूजा ब्रांड की तरफ से है, आहूजा का 1000 वाट का एम्पलीफायर है। उसके बारे में मैं सारा वीडियो दिखाने वाला हूँ, लाइव तस्वीर दिखाने वाला हूँ। उस पर कितना लोड डाले, कितना वाट का स्पीकर चला सकते हैं, कितना वाट का एचएफ चला सकते हैं, कितने टॉप बजा सकते हैं, ये सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, ताकि डीजे से और ट्रेंड से संबंधित हमेशा मैं इस चैनल पे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1000 वाट का जो मेरे पास एम्पलीफायर है उससे कितना बॉस और कितना टॉप चलाते हैं। ये सारा कुछ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा आहूजा ब्रांड का एम्पलीफायर है जो 1000 वाट है। इसका मॉडल मेरे SPA 10000। जब अभी स्विच ऑन किया हूँ, पावर स्विच ऑन हो गया है, देखिए नीला जला। ये माइक स्विच का है, जो हॉर्न और माइक है। अभी मैं बॉक्स ही चेक करने वाला हूँ, हॉर्न तो नहीं है, लेकिन अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ बॉक्स के कितना टॉप बजाता हूँ मैं इस पर। आप देखें, देख कर बताएं कि कैसा मेरा ये साउंड बॉक्स बज रहा है। दोस्त आप देख रहे हैं कि मेरा बॉक्स कैसा बज रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि बॉक्स कैसा बज रहा है। इस बॉक्स के अंदर मैं लगाया हूँ पी ऑडियो के 400 वाट का दो दो स्पीकर, जो दोनों टॉप में लगा हुआ है, और ऑडियो टोन का एक ट्यूटर है जो कि 80 वाट का है। तो एक बॉक्स के अंदर इस बॉक्स के अंदर हो जाता है पूरा 900 वाट, एक टॉप में 900 वाट हो जाता है। तो हम इस एम्पलीफायर से चलाते हैं जो आहूजा का SPA 10000 मॉडल नंबर है, जो कि 1000 वाट का है। इसी एम्पलीफायर से हम दोनों टॉप अभी फ़िलहाल बजा रहे हैं। इस टॉप एम्पलीफायर से तो हम और ज़्यादा बॉक्स बजाते हैं, लेकिन अभी मैं 400 वाट का स्पीकर वाला दो टॉप ही बजा रहा हूँ। और अगर 300 वाट का आपका टॉप है, स्पीकर है, का बॉक्स के है, तो आप चार पर जोन पर जोड़ के आप चार स्पीकर चार बॉक्स बजा सकते हैं आसानी से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस मशीन के अंदर गर्म होगा, गर्म से प्रॉब्लम नहीं है। कि आहूजा का नाम ही ऐसा लग कि गर्म होता ही है, गर्म होने के बाद इसका साउंड क्वालिटी अच्छा निकलता है। तो मैं स्टेंजर का इस मिक्सर से बजा रहा हूँ, जो कि SM6 है। इसी मिक्सर से मैं दोनों टॉप अभी बजा रहा हूँ, दो टॉप और चार हॉर्न बजाता हूँ। अभी फ़िलहाल दो टॉप ही बजा रहा हूँ। और देखें, मैं इसको बिना स्प्लाइजर के डायरेक्ट जनरेटर से मैं लिया हूँ। अभी लाइट तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जनरेटर चालू करके मैं बिना स्प्लाइजर के ही इस मशीन से बजा रहा हूँ, और अच्छा साउंड क्वालिटी भी निकल रहा है। हमारे पास मिक्सर है स्टेंजर की तरफ से, SM6 जो 6 चैनल का मिक्सर है, उसी से मैं बजाता हूँ। इस चैनल से मेरा काम हो जाता है लगभग, अभी जागरण वगैरह का भी काम हो जाता है, और साउंड का डीजे वीजे पर भी इसका काम हो जाता है। तो इस मशीन से मैं अभी दो टॉप बजा रहा हूँ। आपको अगर 300 वाट का स्पीकर का बॉक्स है, तो आप चार टॉप बजा सकते हैं आसान से, अच्छा से बज जाएगा। इस पर चार पर जोड़ के बजा सकते हैं, अच्छा से बजेगा। मैं अभी दो ही बजा रहा हूँ। इस मशीन का खास है, थोड़ा गर्म होता है गर्म होने के बाद, क्योंकि इसमें फ़ैन नहीं है, कंपनी तरफ से फ़ैन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है इसका बारे में हम तो नहीं जान सकते हैं, कंपनी वालों ने ही दिया है। पर हाँ, अच्छा बजता है जब ये गर्म होता है, तो और अच्छा बजता है। फ़िलहाल आप बजा के देखिए, अगर आपको लेना हो, आपको ख़रीदना होती है मशीन भी, आप ख़रीद सकते हैं। बॉक्स अच्छा बजाता है, डायरेक्ट स्प्लाइजर से दीजिए या तो बिना डायरेक्ट जनरेटर से दीजिए, दोनों से इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। देखिए अभी मैं फ़िलहाल जनरेटर चालू किया हूँ, और उसी से आपको मैं बजाया हूँ, और बजा के आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा इधर मिक्सर से आउट किया हुआ एम्पलीफायर के इन हुआ है केबल, और इधर आउट करके दो बॉक्स के ऊपर दिया हूँ। तो बॉक्स के बजाने से पहले एक चीज़ का और ध्यान देना है दोस्त, कि इसका वायर जो होता है ना, हमेशा कॉपर वायर ही यूज कीजिए, क्योंकि बॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है कॉपर वायर। कॉपर वायर से आप बजाइए, बिना कट के बिना ज्वाइंट का बॉक्स में वायर लगाइए, अच्छा बजेगा, अच्छा साउंड क्वालिटी निकलेगा। और अदर जैसे एल्युमिनियम का यूज़ कीजिएगा, या तो फिर कहीं कटा फटा यूज़ कीजिएगा इस बॉक्स के अंदर, तो अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं हो पाएगा। इसलिए बॉक्स के अंदर इसी को बजाते रहिए, अच्छा से बजेगा, और सारा कुछ इससे
बढ़िया आवाज़ निकलता है, आप देख सकते हैं एक बार। भाई वीडियो कैसा लगा आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बताइए कि मैं जो आपको दिखाया लाइव तस्वीर उससे आप कितना टॉप चला सकते हैं, सारा कुछ मैं दिखाया। तो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।